साइन नंबर वन भी तो हमने भी पढ़ा है, तो इसमें है कि व्हाट इज आर रेशनल नंबर, तो आप तो किस बात को पढ़ लिए होंगे व्हाट इज आर रेशनल नंबर, तो ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द एनी इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर का इनका डिसिमल फॉर्म, इसका डिसिमल फॉर्म क्या करता है, तो कहता है कि एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द डिसिमल फॉर्म इज एक्सेसिबल आइदर द टर्मिनेटिंग डिसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल। यानी कहने का मतलब हुआ कि रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल दोनों भी प्रकार का हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले दिमाग आना चाहिए हुआ कि हमको टर्मिनेटिंग डिसिमल किसको पता है, तो पहले हम टर्मिनेटिंग डिसिमल पर पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल कहता है कि एवरी रेशनल नंबर can be expressed as the decimal if the decimal is accessible of the p by q of the terminate that means come to n। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर जीरो आती है तभी वह टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आती है तो वह टर्मिनेटिंग डिसिमल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1/8, 5/4, 11/5, etc। तो 1/8 है, 8 में 1 से डिवाइड कर रहा हुआ, तो क्या आ रहा है 1/5 से, 11/5 रिमाइंडर क्या जा रहा है जीरो, यानी 1/8 क्या होगा तो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा क्यों, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया। फिर 4/5 से डिवाइड कर रहा है तो 1.25 आ गया, तो फिर ये रिमाइंडर करके क्या आ गया आपको यहाँ पर जीरो, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो होगा तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। तो 1/8, 5/4 और 11/5 आर ईटीसी आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डिसिमल, क्यों कि सभी को भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आ गया। लेकिन वर्मा सर का ट्रिक क्या कहता है बेटा कि इफ द प्राइम सेक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज द ओनली 2 या ओनली 5 या ओनली 2 एंड 5 अदर डिजिट आर नॉट अवेलेबल देन दिस आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डिसिमल। जैसे एक का सेक्टर निकालोगे 2 × 2 = 2 आ रहा है, इसमें क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग डिसिमल हो जाएगा। 4 का 2 × 2 = 2 आ रहा है, तो क्या वन हुआ टर्मिनेटिंग डिसिमल हो जाएगा। 11/5 इसमें केवल 5 आ रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग डिसिमल हो जाएगा। तो कहने का मतलब होगा इसका सेक्टर में केवल 2 होना चाहिए, 3 या केवल 5 होना चाहिए, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए तभी आपको टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल की सब बात है। ए डिसिमल इन विच द डिजिट ऑफ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीट या न्यूमेरिकली आर कॉल्ड अ रिपीटिंग डिसिमल। कहने का मतलब हुआ किसी भी रेशनल नंबर को अगर भाग देते हो तो इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता है, एक निश्चित संख्या के बाद प्रेडिकली रिपीटेड ऑफ दिस नंबर यह संख्या का पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल। जैसे 11/6, 3/11, 7/15 इसका रिमाइंडर कभी नहीं होगा। जैसे 6/11 को हमने भाग दिया तो रिमाइंडर 20 आ गया, 3/20 आ रहा है, तो ये 3/3 रिपीट हो रहा है, दैट मींस क्या होगा यह रिपीटिंग डिसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। तो इसका ट्रिक क्या कहता है बेटा, इसका ट्रिक कहता है कि इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर except 2 and 5 are other number is available then they are the repeating decimal। अर्थात 2 और 5 के अलावे कोई संख्या अगर आ जाती है तो वह क्या होती है repeating decimal हो जाती है, या 2-5 का होगा दूसरी संख्या जब तभी repeating हो जाएगी। यानी ये मॉक होना चाहिए कि यह संख्या 2 और 5 का अतिरिक्त कोई संख्या होगी तभी यह repeating decimal होगी। ओके नेक्स्ट। ओके, अब टाइप में अपन पढ़ेंगे विदाउट इक्वल डिवीजन मेथड सो दैट ईच रेशनल नंबर आर द टर्मिनेटिंग या द रिपीटिंग डिसिमल। यानी कोई भी रेशनल नंबर दिया है आपको कहता है कि बिना भाग दिए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, तो इसका रूल्स कहता है वही जो आपको पीछे में बताया था कि फाइंड द प्राइम सेक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ड्यूटर प्राइम सेक्टर निकालो, इफ द सेक्टर इज ओनली 2 या ओनली 5 या ओनली 2 एंड 5 देन दिस आर द टर्मिनेटिंग डिसिमल। ओके, रूल नंबर 3 देखा था इफ द सेक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 2 एंड 5 इज द अदर डिजिट आर अवेलेबल देन दिस आर रेशनल नंबर आर द रिपीटिंग डिसिमल। ओके, जैसे 7/17 और 7/40 ये 90 डिनोमिनेटर है, इसका प्राइम सेक्टर है 2 × 3 × 3 × 5, तो क्या होगा ये रिपीटिंग हो जाए, क्यों कि 2 और 5 के अतिरिक्त ये संख्या क्या अवेलेबल है 3, तो 2 और 5 वाला कितनी संख्या कितनी घुस गया है उससे क्या हो जाएगा रिपीटिंग डिसिमल हो जाएगा। यही 7/40 देखिए, इसका संख्या 2 × 2
5. यहाँ क्या लिख रहे हो? ओनली टू एंड फाइव है, ओनली टू और ओनली टू एंड फाइव है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? टर्मिनेटेड डिस्पोजल हो जाएगा. ओके, तो नॉन टर्मिनेटेड क्या हो गया? दो और पांच के बीच की दूसरी संख्या मिलनी चाहिए. तो वह क्या हो जाएगा? वो अगर दूसरी संख्या आ गया तो क्या हो गया? रिपीट हो गया. अगर दूसरी संख्या नहीं आती तो टू और पांच आ गया, क्या हो जाएगा? टर्मिनेटेड हो जाएगा. तो अब लेंथ ऑफ पीरियड पढ़ेंगे. द लेंथ ऑफ पीरियड का क्या है? इंडिकेट द नंबर ऑफ द डेसिमल ऑफ द रेशियल नंबर इक्वल टू द लेंथ ऑफ पीरियड. जैसे 15 का 7 को भाग दिया आपने तो 2.142857 आ रहा. तो डेसिमल बाद कितने संख्या में रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 6. ओके, धन्यवाद. ओके, एक्सपेक्ट ऑन टाइप 2 पढ़ेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड चेंज द डेसिमल फॉर्म ओनली द टर्मिनेटिंग डेसिमल. यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिया गया रेशियल नंबर को बिना भाग दिए हुए डेसिमल में तोड़ना. तो उसका रूल क्या चलेगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर. उसी तरह रूल नंबर 2 में राइट द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n. ओके, तो क्या करेंगे हुआ? तो हम क्यूब के पावर से n माइनस n कर देंगे बाई 10 कर देंगे. तो यानी अगर इफ अगर n बड़ा हो जाए, n छोटा हो जाए, तो इसको क्या करेंगे? 5 में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे. तो यह ठीक मन रहा है. इसको हर डिग्री में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n में लाने का प्रयास करेंगे. जो पावर कम होगा उस पावर को बढ़ेंगे से पावर घटाकर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रूल कहता है काउंट द जीरो, जीरो को दीजिए और राइट दाहिने से बाएं की तरफ इतने बार देखा डिजिटल में पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा. जैसे 13/125 है, 125 पे करे 5 × 5 × 5 एंड 5 के पावर 3 हो जाए. तो क्या बता रहे हैं? 2 के पावर n एंड 5 के पावर n के ऊपर मिलाना चाहिए. तो 5 के पावर n तो है लेकिन 2 के पावर n नहीं है. तो हम किसे गुणा करेंगे? 2 के पावर 6 तो इक्वल होना चाहिए. तो 2 के पावर 6 ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दिए, इसको गुणा करके 2 × 3 = 8 13/104 आई जब बेस और इक्वल हुआ, पावर इक्वल हो जाता है, तो बेस को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा. 25 का पावर क्या हो जाएगा? 3. यानी 10 का पावर क्या हो गया? 3. इसको इसको 10 का पावर 3 मतलब क्या हुआ? 1000. तो 1, 2, 3 0 है. तो इधर से लेंगे 1, 2, 3 के बाद डेसिमल ले लेंगे, 0 को कट कर देंगे. तो 0.104 जो होगा आपका क्या हो जाएगा? हुआ आंसर हो गया. उसी तरह ये 7/14. तो ये 40 देख रहे हो, तो 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 5 आ रहा है. चल 2 के पावर 3 दो 3 बना रहा है, 5 के पावर 1 हो गया. तो यानी 2 के पावर n 5 के पावर n के ऊपर बनाना चाहिए. तो 2 के पावर n में डेसिमल पावर 3 है और 5 का डेसिमल पावर क्या है? 1 है. तो कितना कम हो गया? 2. तो 5 के पावर 2 को ऊपर चक्का कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, वही ठीक लीजिए थी वहां पर. तो ये हो गया 7 × 5 × 5 बाई क्या हो गया? 2 के पावर 3. आइए 5, 2, 1, 3 हो गया 5 के पावर 3. तब भी बेस अनइक्वल है और पावर इक्वल है, तो बेस का कर मल्टीप्लाई 2 × 5 की पावर 3 हो जाएगा. इसको गुणा कर दिए 175, 10 का पावर 3 यानी 1000 हुआ. 3 0 है, 22 लेंगे, 1, 2, 3 पार्टी को देंगे, 0 कट कर देंगे, 0.175 इज योर आंसर. ओके, अब मैं टाइप नंबर 3 बताऊंगा. ओके ओके, टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा. एक्सप्रेस द इक्वेशन नंबर इन द सिंपलेक्स फॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे. इसका रूल कहता है लेट द गिवन नंबर इज एक्स, जो संख्या दिया उसको एक्स मान लो. रूल 2 कहता है राइट द रिपीट इज फॉर 2 and 3 times. जो संख्या रिपीट किया गया है उसको 2 या 3 बार लिखो, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. द रूल नंबर 3 कहता है सी द आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट आर द नॉट रिकरिंग. तब आपको देखना है डेसिमल के बाद कितनी संख्या पर रिकरिंग नहीं है. उतनी संख्या जितनी नहीं है उसको मल्टीपल ऑफ 10 से दोनों संख्या का गुणा कर देंगे. अगर डेसिमल के बाद 1 नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल बाद 2 ऊपर रखेंगे नहीं है तो 4 से करेंगे, 3 है तो 1000 से करेंगे. किसी फिर रूल नंबर 4 कहता है सी द आफ्टर डिजिट हाउ मेनी टोटल डेसिमल ऑफ डिजिट. यानी डेसिमल के बाद देखिए कि कितनी टोटल डिजिट है रैंक में एंड विदाउट रैंक में, दोनों को देखना है. तो अगर मान देन मल्टीप्लाई द बोथ साइड मल्टीपल ऑफ 10. जैसे मान लो डेसिमल बाद में 3 अंक है विदाउट रैंकिंग और रैंकिंग साथ, तो क्या करेंगे? 10 का पावर 3 यानी 1000 से ऊपर क्या इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. तो रूल 5 कहता है कि आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 3d-2, इसको 2 घटाइए और सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए. अब एक्स का मान जब आपका आ जाएगा तो 6 आता है, कॉमन फैक्टर को कट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, ये एक्स फॉर एग्जाम्पल.
ओके आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक्सप्रेस द 0.254 इन द सिंपल फॉर्म, रूप अनुसार जो संख्या की उसको एक्स मान लो, रेट एक्स इज टू 0.254, रेगुलर मल्टीपल का था जो संख्या पर रिपीट है उसको दो या तीन बार इनपुट, रेट एक्स इज टू 0.254 इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो कितने पर रेकरिंग है, एक अंक पर, तो इसके 10 के मल्टीपल से इक्वेशन एक में बोथ साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x एक अंक पर इक्वल हो जाएगा 2.545 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल बाद टोटल कितने डिजिट है रेकरिंग और विदाउट रेकरिंग, तो टोटल डिजिट कितने हैं 3, तो 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000, तो 1000 के इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या हो जाएगा 1000x, ये तीन बार देखो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.254.545 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 3 में से 2 को घटा देंगे तो 100x करके सबट्रैक्ट करके x आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 201/990, जो 18 से कटा था 14/18 से कटा था 55/90, तो 14/55 इज योर आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हो गया मैथड ट्रिक एट 1 प्लस आंसर कैसे लोगे, तो इसका रूप का था कि आंख बंद करके जो संख्या दिया गया है उसको लिख लो, राइट द डिजिट, राइट द डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द विदाउट रेकरिंग डिजिट, तो काटा उसके बाद आंख बंद करके लिखो जिस पर रेकरिंग उसको घटा दो, तो किस पर रेकरिंग नहीं है 2 पर, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दी। अब इन डिनोमिनेटर न्यूट्रन क्या करना है, आफ्टर द डेसिमल वर्नी सी, केवल डेसिमल के बाद देखना है कि कितने पर रेकरिंग है, कितने बार 9 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं उसके बाद भी लिखेंगे, तो डेसिमल के बाद कितने पर रेकरिंग है, तो 2 संख्या पर, तो 2 को 9 लिख दीजिए, कितने पर रेकरिंग नहीं है 1 पर, 1 जोड़ लीजिए, घटा लीजिए 251/990, जो आपने यहाँ पर बनाया था वो भी क्या आएगा 251/990 आया, डेट लाइक किया तो संख्या को घटा लिया, इट इज योर आंसर। ओके शुक्रिया, एक्सरसाइज नंबर 1 बी इंड आपका हो गया।